हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टॉपिक प्रोनाउन, और उसका भी हम एक पार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। एंड वी ऑल नो दैट पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सरसाइज के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव पार्ट का यूज़ हमें कहाँ करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव का यूज़ हमें कहाँ करना है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ हमें कहाँ करना है। प्रोनाउंस के डेफिनेशन तो आप सभी को पता होगी, प्रोनाउन क्या होते हैं सभी को पता होगी। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही स्टडीज इन 8th क्लास। तो जैसे अगर हम इस सेंटेंस को अगर रीड करें कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम स्टडीज इन 8th क्लास, तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में राम वर्ड की जगह ही यूज़ करें, तो वहाँ पे जो नाउन की जगह पे ही वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ अ प्रोनाउन, वो एक प्रोनाउन है। तो हम नाउन की जगह जो यूज़ करते हैं प्लेस में जो वर्ड, उनको प्रोनाउन बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये रिटन है यहाँ पर। इनके जो सब्जेक्टिव, पोजेसिव, एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट भी यहाँ पे रिटन है। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इट मीन्स जो आई और वी है वो तो सब्जेक्टिव पार्ट में यूज होंगे, माई आवर पोजेसिव एडजेक्टिव, मी अस ऑब्जेक्टिव में, यानी एज ए सब्जेक्ट इसको लगाएंगे हम। सब्जेक्ट सभी को पता है वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। एंड पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव है कभी भी अकेले नहीं आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, आप समझ रहे होंगे दोनों टर्म्स एक ही है, नहीं है, दोनों टर्म्स एक नहीं है। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा क्या है, नाउन के साथ आते हैं, नाउन से पहले, एंड जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो बिना नाउन के भी आ सकते हैं, यानी उनको नाउन की नीड नहीं होती है। जैसे हम इसको एक समझते, जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव में माय का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माय बुक, ये यहाँ पे माय है, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके साथ देखो क्या आया हुआ है, नाउन, नाउन आया हुआ है, बुक, बुक क्या है, एक नाउन है, तो बुक से पहले क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव आया है। इट मीन्स ये किसके साथ आता है, नाउन के साथ। और अगर हम वैसे एक सेंटेंस लिखे, दिस बुक इज माइन, माइन, तो माइन के साथ यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है, तो माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव को तो नाउन की नीड होती है, पोजेसिव प्रोनाउन को नाउन की नीड नहीं होती है, ये नाउन से पहले आती है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, पोजेसिव एडजेक्टिव माई आवर, ऑब्जेक्टिव हो गया मी अस, सेकेंड पर्सन में भी यू, यूअर, यू, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम इसके एक्सरसाइज उसको ट्राई करते हैं कि कैसे, कहाँ पर कौन से पार्ट का यूज़ होगा। जैसे यहाँ हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एग्जांपल है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, जैसे यहाँ पे है ब्लैंक दिया हुआ आई रिशु, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई एंड मी। अब यहाँ देखिए एम यहाँ पे क्या है, एज अ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो वर्ब से पहले हम किसको यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अब आई और मी में से अगर आप देखें टेबल के थ्रू, आई और मी, आई और मी में से सब्जेक्टिव पार्ट कौन सा है हमारे पास, आई, तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, आई, आई एम रिशु, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट का यूज़ होगा। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, शी, दे, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ब्लैंक दिया है इज मोना, यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट, ये हेल्पिंग वर्ब होती है इज, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ से हम देखते हैं जो सब्जेक्टिव पार्ट है शी और दे, दोनों ही सब्जेक्टिव पार्ट है, बट देखो इज
इज क्या होता है सिंगुलर, तो इन दोनों में से सिंगुलर क्या है, शी सिंगुलर है, दे सी क्या है सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आएगा शी, शी इज मोना। शी इज डैश सिस्टर। अब यहां पे दे रखा है माई और मी, दोनों ही दिए हुए। अब आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और इन दोनों में से देखो ऑब्जेक्टिव पार्ट कौन सा है, मी, और माई वाला है पोजेसिव एडजेक्टिव, तो आप सोचेंगे इसमें मी आना चाहिए, शी इज मी सिस्टर। बट यहाँ पे देखो क्या बताया गया था आपको कि जो नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है माई, तो यहाँ पे क्या आएगा माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ जो एग्जाम्पल है शी इज डैश हाउस, सिमिलरली इसमें भी वो दे रखा है वी एंड आवर, वी वी सब्जेक्टिव पार्ट होता है फर्स्ट पर्सन का, यहाँ से देखिए वी सब्जेक्टिव है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और नाउन दिया गया है हाउस, उससे पहले कौन सा पार्ट यूज होगा पोजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ से क्या आएगा आवर। फिफ्थ है हम डैश इज अ बिग हाउस, अब यहाँ पे दिया हुआ ही एंड इट, अब देखिए यहाँ पे इज आया है तो सिंगुलर है, और ही इट दोनों ही सिंगल और सिंगुलर होते हैं, बट यहाँ पे जो बिग हाउस है वो क्या करता है एक थिंग को शो कर रहा है, एक निर्जीव वस्तु को, और ही का प्रयोग तो हम किसके लिए करते हैं, ही का और इट का, इट में से किसके लिए हम थिंग वस्तु का प्रयोग करते हैं, इस ही का प्रयोग तो हम किसी पर्सन के लिए करते हैं, इट का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा इट इज अ बिग हाउस। नेक्स्ट क्या है ब्लैंक लिव विद आवर पेरेंट्स, यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है वो क्या है वी एंड ही। अब यहाँ पे देखो दोनों ही सब्जेक्टिव पार्ट है, लिव विद आवर पेरेंट्स, बट यहाँ देखो आवर पेरेंट्स है, आवर है वो किसका पार्ट है वी का पार्ट है, वी और ही में से हमें एक फिल करना है, तो आवर है उसके साथ क्या आएगा वी, आवर पेरेंट्स यहाँ पे किसको शो कर रहा है प्लूरल को, तो दोनों में से प्लूरल कौन सा है वी है या ही, वी हम को शो करता है, हम ही वह, यानी कि प्लूरल पार्ट कौन सा है इसमें वी, तो वी लिव विद आवर पेरेंट्स। सेवेंथ है ब्लैंक आर वेरी गुड पेरेंट्स, अब यहाँ पे भी देखो कौन सा पार्ट है, इसमें भी प्लूरल पार्ट आया हुआ है, तो ही एंड दे, ही एंड दे में से प्लूरल पार्ट कौन सा है ही है या दे, दे, तो दे आर वेरी गुड पेरेंट्स, एंड आर भी आया हुआ है इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल के लिए यूज होती है। वी रिस्पेक्ट डैश एंड डैश अब यहां देखो जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो दे रखे ऑप्शंस वो है दे एंड देम, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वी रिस्पेक्ट डैश, अब यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट क्या होती है वर्ब की फॉर्म होती है, तो वर्ब के बाद क्या अब आएगा आप बताइए ऑब्जेक्ट आएगा, दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन सा है दे है या देम, तो देम है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा देम, वी रिस्पेक्ट देम। एंड डैश लव, लव यानी वर्ब की फॉर्म है, वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, और इसके लिए जो ऑप्शन है वो क्या दिए गए हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दे देम, तो वर्ब से पहले है तो क्या लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों में से क्या है दे, तो यहाँ पे क्या आएगा दे, और इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं वी एंड अस। अब बताइए कि ये वर्ब के बाद है तो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद है तो सब दोनों में से क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा अस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो पार्ट है उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।